नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन में कालिदास अकादमी के विशाल प्रांगण में नवरंग डांडिया में उज्जैन शहर झूमता हुआ दिखाई दिया। नवरंग सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में पारंपरिक गरबों के साथ ही राजस्थानी, साउथ इंडियन, बंगाली, काठियावाड़ी आदि गरबा रास और लोक नृत्य की भी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। जय माता दी। सर्वप्रथम मैं नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामना देता हूं। यह नवरंग डांडिया कालिदास अकादमी में लगातार सफलतापूर्वक अपने 15 वर्ष पूरे करना जा रहा है और यहां पर रोज रंगारंग गरबों के माध्यम से माता की आराधना की जा रही है और प्रस्तुति दी जा रही है। हम सबसे आपको बताना चाहते हैं कि इस बार आचार संहिता लगी हुई है, तो हम कोई भी ऐसा जो है वो नहीं करना चाहते कि जिससे कुछ भी आचार संहिता का उल्लंघन हो, और इस बात का ध्यान रख के जो भी माता की आराधना के जो भी भजन है, संगीत है, गीत है, वो सब हम बजाकर खूब आनंद ले रहे हैं। पूरा शहर आनंद ले रहा है और पूरा उज्जैन यहाँ पर उमड़ रहा है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में केरल के निगम कमिश्नर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक होने के कारण उनकी मौत हुई है। वहीं पुलिस पूरे ही मामले में मर कायम कर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। कनाडिया क्षेत्र में होटल प्राइड में केरला का एक जो है टीम यहाँ पर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है उसमें ट्रेनिंग के लिए आया था। उसमें 30 से 35 लोग गए हुए, उसमें सजीत कुमार जो है उनका रात को जो है खाना वाना खा के होटल पर रुके थे। सुबह जब 8 बजे के आसपास इनको देखा तो इनकी तबीयत खराब मिली, तो इनके साथ ही इनको बगल में हॉस्पिटल नोबल हॉस्पिटल लेके गए थे, जहाँ वहाँ पर इनको चेक करते डॉक्टर साहब द्वारा इनको जो है मृत घोषित किया है। उस पर थाना कनाडे पर मर्ग कायम कर जो है उसकी जाँच की जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए इंदौर सिटी बस ऑफिस में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मतदान के प्रति मतदाताओं में किस तरह से जागरूकता लाई जाए, ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा की गई। वहीं महिलाओं की मतदान में सहभागिता बनी रहे और इसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। इंदौर में बढ़ती लूटपाट की घटना को लेकर अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा एक सफलतम कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग के साथ नशे की लत को लेकर दो बदमाशों ने चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, नितिन पिता लालचंद अहिरवा निवासी अपने रुस्तम के बगीचे का रहने वाला। अभी पूछताछ चल रही है और भी एक और साथी है उसका, उसकी तलाश कर रहे हैं। सर, आरोपी से कितने का मशरूम का बरामद हुआ है और क्या मतलब क्या अपना शौक पूरा करने के लिए वारदात करता था, ये कैसे रेकी करता था? ये नशे के लिए करते थे, जो भी मिल जाता रास्ते में नशे के लिए करते थे। रुस्तम के बगीचे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान और मतगणना संबंधित कार्य इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होना है। इसके चलते स्टेडियम में सभी तरह के खेलों और प्रैक्टिस पर रोक लगाते हुए स्टेडियम को आज से बंद कर दिया गया है। नेहरू स्टेडियम में जैसा कि हम सबों को विदित है कि जो चुनाव से संबंधित काम है, जैसे कि वहाँ पे मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतगणना है, ये सारे काम वहाँ पर एग्जीक्यूट होने हैं। जो उसका ग्राउंड था अभी तक तो हमने नहीं बंद किया था जब वो रिपेयर वर्क में चल रहा था, परंतु अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ग्राउंड में हमें जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेंट्स इत्यादि इरेक्ट करवाने हैं, उसके लिए जो एजेंसी है उनको ये ग्राउंड हैंडओवर करना था, उस कारण से हमें आज से उसे बंद करना पड़ा। इंदौर की एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती पिछले 2 दिनों से अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। इसके बाद परिवारजनों ने पूरे मामले में थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और युवती का फोटो और अन्य दस्तावेज जमा कराए थे। इसके बाद पूरे मामले में छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि युवती एक युवक के साथ चली गई है। पूरे मामले में पुलिस ने युवक और युवती को दस्तयाब करने के बाद दोनों से पूछताछ की और राजी मर्जी से थाने के ही परिसर में बने मंदिर में फूलमाला पहनवा दिया। एक
एरोड्रम थाने में सिमरन पुत्री कमल मकासरे धर्मराज कॉलोनी की रहने वाली है और बालिग है, 22 साल की लड़की है। इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी जिसके बाद में ये लड़की को दस्तयाब किया गया कल पुलिस के द्वारा। और जहाँ ये लड़की है इस अपने प्रेमी जतिन सन ऑफ ललित तिवारी, ये नगीन नगर का रहने वाला, इसके साथ ये लड़की उपस्थित हुई। उसके बाद दोनों ने अपनी आपसी सहमति से शादी करने का फैसला किया। और चूंकि थाना जो एरोड्रम है उसके परिसर में मंदिर भी, तो वहाँ इन लोगों ने आपसी विवाह किया है। और ये घटनाक्रम है कि लड़की और जो इसका जो प्रेमी था, ये दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे और चूंकि वो पुलिस परिसर उसके नज़दीकी है तो पुलिस भी उस चीज़ की गवाह थी। इंदौर निगम कमिश्नर की गाड़ी पर तंत्र क्रिया का मामला सामने आया है। फिलहाल पूरे मामले की शिकायत निगम कमिश्नर के ड्राइवर ने संयोगितागंज थाने पर की है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा 2 कटे हुए नींबू गाड़ी पर फेंके गए हैं। नींबू फेंकने वाले की पुलिस तलाश कर रही है। ये इस तरह का जो कल जो कि एक जो उनके ड्राइवर हैं, उनके द्वारा ड्राइवर और 4-5 गार्ड थे, उन लोगों ने गाड़ी के पास बैठे हुए, तभी एक व्यक्ति आया और उसने अपनी कार का शीशा खोल के और 2 नींबू उनकी कार की तरफ फेंक दिए। 2 कटे हुए नींबू कार की तरफ फेंक दिए। तो इस आधार पर जो ड्राइवर के द्वारा थाना संयुक्तगंज में शिकायत की गई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व्यक्ति की पहचान हुई है। सीसीटीवी फुटेज से पूरा घटनाक्रम क्लियर हुआ कि इस तरह से एक व्यक्ति पीछे गाड़ी से आया और उसे शीशा खोलते हुए उसके बाद फिर जो कटे हुए नींबू नगर निगम कमिश्नर की गाड़ी की तरफ फेंक दिए। इस पर ही शिकायत की गई है, इस पर शिकायत रजिस्टर कर ली गई है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।